विकृत मानस के लोगों का हाल देखो। जब बेंगलोर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, दीनदयाल जी की शताब्दी को लेकर के जब मैंने समापन में भाषण किया, तो किसी भी हालत में जो जन्मजात जिनका कार्यक्रम है भाजपा के खिलाफ काम करना, वो करे, मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि तो उनका काम है। लेकिन पता होना चाहिए आप न्यूट्रल नहीं हो, ये पता होना चाहिए। लेकिन न्यूट्रल होने का क्लेम करने का हक नहीं है ऐसे लोगों। उन्होंने क्या कहा, ये लैंड एक्विजिशन बिल के कारण मोदी गरीबों की बात कर रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री पद का शपथ बाकी था, सिर्फ नेता के नाते चुना गया था, और मैंने दिल से कहा है ये सरकार गरीबों को समर्पित। पर झूठ कितना चलाएगा, झूठ कितना चलाएगा। और मित्रों मैं बताता हूं, आप जनता पे भरोसा कीजिए, और कोई व्यवस्था पे भरोसा मत कीजिए। जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, आंख में आंख मिलाकर के दिल से बात कीजिए लोगों से, आप देखिए दुनिया आपको चार चांद लगा देगी, आपको कंधे पर उठा के चलेगी, ये मेरा अनुभव कहता है। और मोदी जी ने चुनाव कैसे जीता मैं आपको समझा देता हूं। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तेहार होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है। और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे, आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे, इसलिए वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं, और इसीलिए वो किसान को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसान को सही दाम ना मिले, किसान को पानी ना मिले, किसान को फर्टिलाइजर ना मिले, किसान अपने बल पे ना खड़ा हो, कमजोर हो जाए, गिर जाए, और फिर हम उसकी जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दें।